हेलो स्टूडेंट्स, बार शादी को डबल। अब हम लेके चलेंगे आज वैद्युत बल का वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप। सदिश क्या है आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, एक बार रिपीट कर देते हैं। सदिश ऐसी राशियां होती है जिनके मैग्नीट्यूड होते हैं, जिनके मान होते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। सदिश कंटेन द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड बोथ। अदिश वो होते हैं जिनमें केवल वैल्यूज होती है। तो फोर्स इज अ वेक्टर, बल में मान भी होता है बल्कि दिशा भी होती है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जो दो अंशों के बीच में कार्य करता है उसको सदिश रूप में कैसे रिप्रेजेंट करें, तो कंसीडर करके चल रहे दे आर द टू पॉजिटिव चार्ज, वन इज क्यू वन एंड द सेकेंड इज क्यू टू। एक धनावेश क्यू वन है, दूसरा धनावेश क्यू टू है, किसी सेपरेशन आर पर है। फिगर में रिप्रेजेंट किया है चार्ज क्यू वन एंड चार्ज क्यू टू। क्यू वन आवेश क्यू टू पे वैद्युत बल लगाएगा, उतनी ही वैल्यू का क्यू टू चार्ज क्यू वन पे भी वैद्युत बल लगाएगा। इन बलों की वैल्यूज तो बराबर होती है, डायरेक्शंस कैसी कैसी होगी जरा एक बार हम देख लेते हैं। क्यू वन धनावेश है, क्यू टू धनावेश है, तो Q1 Q2 को प्रतिकर्षित करेगा, Q2 भी Q1 को प्रतिकर्षित करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगी। Q1 Q2 को प्रतिकर्षित करेगा तो उसका हमने एरो बाहर को लगा दिया, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। बल को लिखा हमने वेक्टर F21, 21 इसलिए लिखा 2 इज फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। आवेश Q2 पे लगने वाला बल है जो Q1 के द्वारा लगा रहा है, Q2 पे लगने वाला बल जो किसके द्वारा लगा है, Q1 के द्वारा, वेक्टर F21। ऐसे ही चार्ज Q2 Q1 पे जो फोर्स लगाएगा वो भी रिपल्सिव फोर्स होगा। कैसे रिप्रेजेंट किया, एरो बाहर को लगाया, उस बल को लिखा आपने Q1 पे लगने वाला बल है Q2 की वजह से है, तो वेक्टर F12। तो दे आर द टू फोर्सेस, वेक्टर F21 फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, F वेक्टर F12 फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। लिखा हुआ है वेक्टर F21 फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, वेक्टर F12 फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। तो ये दीज आर द फोर्सेस। अब अगर इन फोर्सेस को, इन बलों को जो हमने डायरेक्शन इंक्लूड करके लिए हुए हैं, इनको अगर हम पोजिशन वेक्टर फॉर्म में लिखे या डायरेक्शनल वेक्टर के फॉर्म में लिखे, एक दिशात्मक सदिश के रूप में लिखे, तो पहले हमें जानना होगा व्हाट इज द डायरेक्शनल वेक्टर। दो तरह के डायरेक्शनल वेक्टर होते हैं, एक यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर होता है, इकाई दिशात्मक सदिश। एक ऐसा डायरेक्शनल वेक्टर होता है जो डायरेक्शन को तो रिप्रेजेंट करता है लेकिन मैग्नीट्यूड में कुछ भी हो सकता है। तो डायरेक्शन वेक्टर इज ए वेक्टर रिप्रेजेंटिंग टू द डायरेक्शन, दिशा को रिप्रेजेंट करने वाला सदिश। इन दोनों बलों की दिशाओं को अगर हम एक डायरेक्शनल वेक्टर में लिखे, तो वेक्टर F21 जो है वो इस डायरेक्शन में है, इसका डायरेक्शनल वेक्टर अगर Q1 से स्टार्ट करे तो इस डायरेक्शन में होगा, Q1 से Q2 की ओर है। यहां पर यूनिट डायरेक्शन वेक्टर को कैप के फॉर्म में लिखेंगे, कैप R12। कैप R12 का मतलब हो गया आर ऑनस लिया है क्योंकि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, दूरी को बताएगा। वन टू इसे लिया है, वन से क्यू वन चार्ज से क्यू टू की ओर है, डायरेक्शन क्यू वन से किधर को है, क्यू टू की ओर है, इसलिए लिखा कैप आर वन टू। तो व्हाट इज द कैप आर वन टू, इट इज द डायरेक्शनल वेक्टर फ्रॉम चार्ज क्यू वन टू क्यू टू, क्यू वन से क्यू टू की ओर। जो फोर्स वेक्टर एफ टू वन की डायरेक्शन में उसी के अलोंग है। इन द सेम मैनर ये जो वेक्टर एफ वन टू है इसका जो डायरेक्शनल वेक्टर है यूनिट कैप डायरेक्शन वेक्टर उसको लिख सकते हैं टू वन, टू वन दिस टू से वन की ओर, टू से वन की ओर। तो ये है अगेन कैप आर वन टू, आर वन टू इज द यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर, दिशात्मक सदिश। डायरेक्शनल वेक्टर किधर से किधर को, फ्रॉम
charge. And not from, towards lip sakte. We can write towards. Towards charge Q2. Jo charge Q2 ki ur hai. Q1 se kitha ko hai? Q2 ki ur. In the same direction, cap R21 it is the unit directional vector again. Unit directional vector. Dishatmak sadish. Jo kidhar se kidhar ko kis towards hai, kis ki or hai. It is towards charge Q1. Jo charge Q1 ki or hai. Ye Q1 ki or hai. To agar hum in forces ko jo hamare directional form mein liye gaye hai. अगर हमको डायरेक्शनल वेक्टर के फॉर्म में लिखे हैं तो हाउ कैन वी राइट, कैसे लिख सकते हैं द सिंपल वन, कैसे लिखेंगे, वी हैव टू राइट देयरफॉर एफ वेक्टर एफ21 इट इज एफ21 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट हो गया q1 मॉडुलस इनटू q2 मॉडुलस अपॉन r स्क्वायर, ये तो इसकी वैल्यू हो गई, इट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फोर्स. अब वैल्यू को उसके मैग्नीट्यूड को हम उसके डायरेक्शन पे इंक्लूड और करें तो F21 का जो डायरेक्शनल वेक्टर है इट इज द कैप R12, कैप R12 को मल्टीप्लाई कर दिया तो जो हमारा फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है जो वैल्यू है वो एक वेक्टर में कन्वर्ट हो गई. हियर अगर हम कैप R12 को देखें, अगर इसे कंप्लीट वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं वेक्टर R12 अपॉन मॉडुलस ऑफ R12, वी कैन राइट एज कैप A इज इक्वल टू वेक्टर A अपॉन मॉडुलस ऑफ, जैसे हम कैप A को हम ऐसे लिखेंगे ऐसे कैप R12 लिख सकते हैं वेक्टर R12 अपॉन मॉडुलस ऑफ R12. अगेन यहां पर जो मॉडुलस R12 होगा वो R12 वेक्टर कहां से कहां तक है, Q1 से लेके कहां तक है, Q2 तक है, जो वैल्यू R को रिप्रेजेंट करेगा. यहां से यहां तक की जो दूरी है दैट इज इक्वल टू R. तो R को हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ R12, वेक्टर R12 का मॉडुलस. देयरफॉर हियर अगर इसको चेंज करें वेक्टर F21 equal to 1 upon 4 pi epsilon dot q1 modulus into q2 modulus upon, यहां पर पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं उसका डिवीजन भी लेके चलेंगे, वेक्टर r12 upon modulus of r12 और हम यहां लिख सकते हैं r square के प्लेस पर वेक्टर r12 के modulus का होल स्क्वायर, वी कैन राइट आर स्क्वायर है तो यहां से आता जो वेक्टर है वो वेक्टर आर वन टू है उसके मॉडुलस का स्क्वायर लिख लिया. कैप वेक्टर हमने कैप वेक्टर को यू लिख लिया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी ले दें वी के राइट वेक्टर एफ टू वन इक्वल टू बनापुर फोर पाई एफ सारे डॉट क्यू वन मॉडुलस इन टू क्यू टू मॉडुलस अपॉन, इनको अगर एक साथ लिखे वेक्टर आर वन टू मॉडुलस होल क्यूब इंटू वेक्टर आर वन टू. फाइनली अगर इन्हें पोजिशन वेक्टर के फॉर्म में लिखे, सबको रफ कर दे रहे हैं, अगर इस लाइन को इस स्टेटमेंट को अगर हम पोजिशन वेक्टर के फॉर्म में लिखे तो पोजिशन वेक्टर मीन्स ऐसे वेक्टर्स जो कि रेफरेंस पॉइंट से कंसीडर किए जाते हैं, संदर्भ बिंदु से लेके चलते हैं, हमारा जो ऑरिजिनेटिंग पॉइंट मूल बिंदु वो होता है वो सब रेफरेंस पॉइंट लेके चलेंगे. तो मान के चल रहे हैं जो हमारा चार्ज Q1 है उसका पोजिशन वेक्टर है वेक्टर R1 और जो चार्ज Q2 है उसका जो पोजिशन वेक्टर दैट इज R2. देयरफॉर वेक्टर R12 इक्वल टू हो जाएगा पोजिशन वेक्टर ऑफ R2 बाय द पोजिशन वेक्टर ऑफ R1. इधर से यहां का जो सदिश होगा इन दिस वेक्टर वेक्टर एडिशन सबसे अगर इस वेक्टर का एडिशन लेके चले व्हाई इट इज एज वेक्टर R1, ये जो वेक्टर यहां से आता है वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R1 प्लस वेक्टर
आर वन टू, आर वन टू इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर आर टू बाय द वेक्टर एडिशन. देयरफॉर वेक्टर आर वन टू इक्वल टू वेक्टर आर टू माइनस वेक्टर आर वन. तो वेक्टर आर वन टू का भी लिख सकते हैं. तो अगर हम इस वेक्टर आर वन टू को पोजिशन वेक्टर्स में लिखे तो वेक्टर आर वन टू को प्लेस में लिखेंगे. देयरफॉर वेक्टर एफ टू वन इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन डॉट क्यू वन मॉडुलस इंटू क्यू टू मॉडुलस अपॉन हियर इट इज पहले इसको लिख लेंगे वेक्टर आर टू माइनस वेक्टर आर वन और इन द सेम वे उसी तरह से मॉडुलस वेक्टर आर टू माइनस वेक्टर आर वन टू मॉडुलस का होल क्यू. So it is the vector form of the force F21 force. तो हमने जो चार्ज Q2 है उस पर लगने वाला जो फोर्स है जिसको हमने वेक्टर F21 लिखा उसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा. एक बार फॉर्मूले को रिपीट कर लेते हैं, आपको याद होना चाहिए क्या है वेक्टर F21. वेक्टर F21 इज इक्वल टू सिंपल वे में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 मॉडुलस * Q2 मॉडुलस इंटू मल्टीप्लीकेशन में क्या है वेक्टर आर टू माइनस वेक्टर आर वन अपॉन मॉडुलस में क्या है वेक्टर आर टू माइनस वेक्टर आर वन के मॉडुलस का होल क्यूब. मतलब इस पर लगने वाले फोर्स के अगर हम वेक्टर फॉर्म लेके चले तो इट इज अ वेक्टर फॉर्म. जैसे वेक्टर फॉर्म लेके चलते हम एक बार फॉर्मूले को थ्रू कैसे रिमाइंड करें कैसे ध्यान रखें बहुत सिंपल तरीका है. जब हम इसकी वेक्टर फॉर्म लेके चलेंगे देन वी हैव टू राइट वेक्टर एफ टू वन इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एफ साले डॉट Q1 का मॉडुलस इंटू क्यू टू का मॉडुलस इंटू भी क्या करना है जब इसके वेक्टर फॉर्म लेके चल रहे इसके पोजीशन वेक्टर में से हम इसका पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 ही तो ऊपर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या होगा इसी का मॉडुलस का क्यू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 के मॉडुलस R1 वेक्टर का मॉडुलस का क्यू. इसी तरीके से अगला वेक्टर F12 को लिखे आप लिख सकते हो. कैसे लिखोगे आप हम यू लिखेंगे वेक्टर एफ वन टू इक्वल टू बारह पॉइंट फोर पाई एप्सिलॉन डॉट क्यू वन का मॉडुलस इंटू क्यू टू का मॉडुलस इंटू अब हमें ब्रैकेट में क्या लिखना होगा हम इस पर लगने वाला फोर्स लेके चल रहे हैं वी हैव टेकन द फोर्स वेक्टर एफ वन टू तो हमें क्या करना होगा ब्रैकेट में वेक्टर आर वन माइनस वेक्टर आर टू और अपॉन मॉडुलस में क्या लेना होगा वेक्टर आर वन माइनस वेक्टर आर टू के मॉडुलस का क्यूब. तो दिस इज द पोजिशन वेक्टर फॉर्म ऑफ द डिफरेंट फोर्सेस उन बलों के लगने वाला सदिश रूप है जो क्यू वन आवेश के द्वारा बिंदु आवेश क्यू वन लेके चल रहे हैं दूसरा बिंदु आवेश क्यू टू लेके चल रहे हैं जो क्यू वन की वजह से क्यू टू पर लग रहा है या जो क्यू टू की वजह से क्यू वन पर लग रहा होगा. बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं लेट यहां पर तो देखो अभी दोनों आवेश लिए हैं वो पॉइंट चार्जेस हैं बिंदु आवेश हैं मान के चलो चार्ज करके कभी आपको दे दे एक तो आवेश बिंदु आवेश है और जो दूसरा आवेश है वो पॉइंट के फॉर्म में नहीं है दूसरा आवेश क्लाइंट के फॉर्म में हो सकता है दूसरा आवेश हमारा एक सरफेस के रूप में हो सकता है दूसरा आवेश हमारा एक वॉल्यूम के फॉर्म में हो सकता है. एंड वी हैव टू राइट हमें क्या करना है वी हैव टू राइट द डिफरेंट वेक्टर फॉर्म्स इन सच कंडीशंस इन सभी स्थितियों में हमें उनके वेक्टर फॉर्म लिखने तो वन बाई वन वेन द वन चार्ज इज पॉइंट चार्ज एक दिया गया आवेश बिंदु आवेश है एंड द सेकेंड वन इज द लीनियर चार्ज रेखीय आवेश ये सच है बेटा इस तरीके से. लेट वन चार्ज इज क्यू पॉइंट चार्ज पॉजिटिव चार्ज इस सेकेंड चार्ज इज द लाइन चार्ज हियर इट इज लाइन चार्ज क्यू टोटल चार्ज प्लस क्यू क्यू नॉट या लेट दिस चार्ज क्यू नॉट एंड दिस चार्ज इज क्यू कंसीडर वेल दिस चार्ज क्यू नॉट क्यू जीरो एंड दिस चार्ज इज क्यू विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द लाइन लेंथ एल. हमें क्या करना होगा वी हैव टू डू हमें
चार्ज क्यू डॉट पर एक्ट होने वाले फोर्स को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, या लाइट चार्ज क्यू पे एक्ट होने वाले फोर्स को हमें वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कैसे कर सकते हैं बात के चल रहे हैं, लेट मी कंसिडर इट, इस क्यू डॉट की वजह से इस लाइट चार्ज पर कितना फोर्स एक्ट हो रहा होगा। तो हम ये पूरा लाइट चार्ज है, कंप्लीट लाइट है, तो डायरेक्टली हम वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते। जैसे एक पाइप चार्ज Q1 Q2 पर Q2 पाइप चार्ज पर फोर्स लगाता है, हमें क्या करना होगा, हमें एक काम करना होगा, इस लाइट चार्ज का एक छोटा सा एलिवेटेड पोर्शन लेके चलेंगे ऑफ लेंथ dl, और सपोज इसका जो चार्ज है दैट इज d2 पर चार्ज। इस पाइप चार्ज का पोजिशन वेक्टर है लेंथ, दिस पोजिशन वेक्टर इज RS, और इसका जो पोजिशन वेक्टर है इस RS को हम R लेकर, तो इसका पोजिशन वेक्टर है R0। R जो है पोजिशन वेक्टर ऑफ द चार्ज Q0 एंड R इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ चार्ज DQ। देन इस क्यू डॉट की वजह से जिस पर फोर्स एक्ट होगा उस फोर्स को लिखेंगे FdQ Q0। इट इज अ फोर्स, दिस फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज DQ D2 Q0, दैट इज FdQ Q0 इक्वल टू 4πr·r·. किस चार्ज पर से फोर्स लेके चल रहे हैं, वी आर टेकिंग बाय द चार्ज Q0 मॉडुलस into dq upon उनके बीच जो सेपरेशन लेंगे इनटू द r square। इसका पोजीशन वेक्टर, फोर्स का पोजीशन वेक्टर, दैट इज द पोजीशन वेक्टर, इसका हम डायरेक्शन वेक्टर लेके चलेंगे, लेट द डायरेक्शन वेक्टर इज कैप r0 dq, क्योंकि Q0 चार से DQ की ओर है टूवर्ड्स। अब इसे पोजिशन वेक्टर में डायरेक्टली रिप्लेस करेंगे, हाउ कैन वेक्टर F टोटल का, वी हैव टू टेक द टोटल चार्ज F और द चार्ज Q0 इक्वल टू लाइन इंटीग्रल, वी हैव टू मेक द लाइन इंटीग्रल, किसका लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स FdQ Q0। ये जो हमारा स्मॉलर हमने पोर्शन लिया था, जो डीक्यू चार्ज लिया था उसमें जो एक्टिवेटर फोर्स है उस फोर्स को लाइन इंटीग्रेशन करते, तो इन द सिंपल मैनर वी हैव टू राइट लाइन इंटीग्रल वैल्यू पुट करें 4πr·r·, Q0 मॉडुलस इनटू DQ मॉडुलस अपॉन r² कैप कैप हियर कैप 0 dQ। पोजिशन वेक्टर में लिखे हैं तो यह लाइन इंटीग्रल 4πr·r·, Q0 मॉडुलस इनटू DQ मॉडुलस अपॉन, पहले हम इसको लिख लेते हैं अगेन, इसके पोजिशन जो वेक्टर है वेक्टर r − r0 वेक्टर अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा वेक्टर r − r0 वेक्टर के मॉडुलस का क्यू। हियर इट इज द फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, it is a vector form, here we have to write here dq due to charge Q0. It is a total force acting on the charge q due to Q0, it is a vector form. In the same manner directly just hum yahan pe step by step thoda concept hai ke dimness force leke chale usme force wale charge ko likha, in the same manner agar hum surface charge leke chalenge शॉर्टकट में लिख लेते हैं, फॉर द सरफेस चार्ज वी हैव टू राइट, हमें यहां पर एक सरफेस बनाना होगा, वही तरीका, इट इज द सरफेस हैविंग द टोटल चार्ज क्यू और द एरिया ए, वही एक छोटा सा सेगमेंट लेके चले गए DQ और द एरिया DA, देयरफॉर वी हैव टू राइट इन द सम ऑर्डर
What we have to write? क्या लिखेंगे हम? We have to write force acting on charge Q due to Q0 equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. We have to write surface integral. First we have to write the surface. या line integral है या फिर surface integral. Surface integral 1 upon 4 pi epsilon naught. Q0 modulus into dq modulus upon vector r minus vector r0 upon modulus vector r minus vector r0 modulus whole cube. And for volume, fqq dot is equal to volume integration 1 upon 4 pi epsilon dot q0 modulus into dq modulus vector r minus vector r0 upon modulus vector r minus vector r0 modulus q. So these were the different vector forms of the force. Thanks a lot.